आपका क्वेश्चन हमेशा किस में रहना चाहिए? मिनिमाइजेशन में। और सेकंड कि आपका जो मैट्रिक्स दिया रहेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, वो हम देखेंगे आगे किस तरीके से बनाते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब देखिए हम असाइनमेंट मॉडल का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? अ मशीन टूल कंपनी डिसाइड टू मेक 4 सब असेंबलीज। कोई एक मशीन टूल कंपनी है, वो क्या करना चाहती है? 4 सब असेंबली बनाना चाहती है थ्रू 4 कॉन्ट्रैक्टर। उसको कोई सब असेंबली बनाना है किसी 4 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर से। ईच कॉन्ट्रैक्टर इज टू रिसीव ओनली 1 सब असेंबली। यहां उसने मेंशन कर दिया कि ईच कॉन्ट्रैक्टर, आप एक कॉन्ट्रैक्टर को एक ही सब असेंबली दे सकते हो। द कॉस्ट ऑफ ईच सब असेंबली इज डिटरमाइंड बाय द बिड्स सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। उन्होंने जो कोटेशन दिए थे वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। द कॉस्ट ऑफ ईच सब असेंबली इज डिटरमाइंड बाय बिड्स सबमिटेड बाय ईच कॉन्ट्रैक्टर एज शोन इन टेबल इन 100 रुपीज। मतलब जैसे 15 दिया हुआ है, जैसे अगर सब असेंबली 1 जो है, अगर इसको कॉन्ट्रैक्टर 1 बनाता है तो कितने रुपए ले रहा है? 15। तो 15 नहीं है, ये 100 in 100 rupees है। मतलब आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 1500 एक्चुअल में। असाइन द डिफरेंट सब असेंबली टू कॉन्ट्रैक्टर सो एज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। आपको क्या करना है बच्चों? आपको असाइन करना है आपकी सब असेंबली को अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को, जिससे आपका जो टोटल कॉस्ट रहेगा सब असेंबली बनाने का वो क्या आ जाए? मिनिमम आ जाए। क्लियर है? उसके लिए आपको टेबल दिया। देखिए आपको 4 सब असेंबली दिए, 1, 2, 3, 4, और 4 कॉन्ट्रैक्टर दिए और उनके कॉस्ट दिए कि अगर सब असेंबली 1 कॉन्ट्रैक्टर 1 बनाएगा तो कितने पैसे लेगा। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूं। आपको बोर्ड दिख रहा है बच्चों? विवेक, विवेक ठाकुर, मैंने जो बोला अभी तक समझ में आया आप लोगों को? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब भी हम असाइनमेंट के प्रॉब्लम देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन में देखना है कहीं मिनिमाइजेशन या कॉस्ट लिखा है क्या। ठीक है, अगर मिनिमाइजेशन या कॉस्ट है तभी उसको हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन क्या बोला? कि आपका जो मैट्रिक्स रहना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आपकी मशीन टूल कंपनी है जिसको 4 सब असेंबली बनाना है। यहाँ पे देखिए मैंने बोर्ड पे ये लिखा सब असेंबली, आपकी सब असेंबली लिखी है, यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्टर लिखे हुए। सब असेंबली कौन सी कौन सी है? 1, 2, 3, 4। कॉन्ट्रैक्टर कौन से आपके? 1, 2, 3, 4। अब देखिए अगर कॉन्ट्रैक्टर वन जो है अगर वो सब असेंबली 1 बनाता है तो कितने उसके कॉस्ट कितना है? 1500 rupees। यहाँ 15 लिखा हुआ मैट्रिक्स में आपको दिया है, तो जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेंगे बच्चों? 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टर 1 सब असेंबली 1 बनाता है तो कितना कॉस्ट लेता है? 15 rupees। कॉन्ट्रैक्टर 1 अगर सब असेंबली 2 बनाएगा तो कितना लेगा? 11। कॉन्ट्रैक्टर 1 अगर थर्ड सब असेंबली बनाएगा कितना लेगा? 13। सिमिलरली फोर्थ बनाएगा तो 15। ये था कॉन्ट्रैक्टर 1 के बारे में। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्टर 2 की कॉस्ट भी आपको कॉन्ट्रैक्टर 3 की दिए, कॉन्ट्रैक्टर 4 की दिए। तो आपको क्या बताना है कि आप कौन सी सब असेंबली 1, 2, 3, 4 कौन सी सब असेंबली आप कौन से कॉन्ट्रैक्टर को असाइन करोगे जिससे ये जो आपको चारों सब असेंबली जो बनाना है इसकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी? मिनिमम आएगी। क्लियर है बच्चों? अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, आपको जो क्वेश्चन दिया है ये मिनिमाइजेशन में है या मैक्सिमाइजेशन में। तो देखो आपके क्वेश्चन के एंड में लिखा हुआ था मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, मतलब ये जो प्रॉब्लम है किसका है? मिनिमाइजेशन का है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन की आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पे देखो कितनी रोज है, 1, 2, 3, 4 4 रोज है। कितने कॉलम्स है? 4 कॉलम्स है। तो यहाँ पे 4 रोज है एंड 4 कॉलम्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलेंगे। क्लियर है? पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही थी, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही थी। अगर असाइनमेंट मॉडल में पहली दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे बच्चों रो ऑपरेशन। नेक्स्ट स्टेप हम क्या सबमिशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है,
हमने क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम किस में होना चाहिए, मिनिमाइज में। सेकंड कंडीशन क्या थी, स्क्वायर होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर रहता तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, रो ऑपरेशन। अब रो ऑपरेशन क्यों करते हैं बच्चों, हमें क्या करना है, जो भी रो आपको दिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, सभी रो में जीरो लाना है। सभी रो में हमें क्या करना है, जीरो लाना है। तो हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब रो ऑपरेशन कैसे करते हैं बच्चों, फर्स्ट रो में देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। फर्स्ट रो में जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी उससे हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को माइनस कर देंगे। रो ऑपरेशन करना है मतलब क्या करना है आपको, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में और लास्ट रो में एक जीरो लाना है। मतलब फर्स्ट रो में एक जीरो आना चाहिए, सेकेंड रो में एक जीरो आना चाहिए, सिमिलरली थर्ड एंड सिमिलरली फोर्थ। तो देखिए आपको फर्स्ट रो में अगर जीरो लाना है तो किस तरीके से लाते, यहाँ पे हम चेक करेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सानिया, यस सर, फर्स्ट रो में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है सर, वन। कौन सी है, वन नहीं है ये, नहीं ये 1, 2, 3, 4 जो है ये तो सब असेंबली है, इसको नहीं लेना आपको। तो जो फर्स्ट है ना 13, 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
सिमिलरली थर्ड रो में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 10. माइनस कर दीजिए क्या आएगा? 3, 2, 0 एंड लास्ट इज 1. सिमिलरली लास्ट रो में चेक करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 14. 14. आपका 1, 3, 0, 2 माइक म्यूट कर लीजिए. क्लियर है आपके सबको? यस सर. प्रवीण कोई डाउट है किसी को? नो सर. देखिए हमें क्या करना है, हमें चार सब असेंबली दिए, चार कॉन्ट्रैक्टर दिए, तो हमें क्या करना है, कोई एक सब असेंबली कोई एक कॉन्ट्रैक्टर को देना है, दूसरी असेंबली किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को देना है, जिससे आपका जो टोटल कॉस्ट आएगा सब असेंबली बनाने की, जो टोटल कॉस्ट आएगी वो क्या आना चाहिए? मिनिमम आना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रो ऑपरेशन करते हैं. रो ऑपरेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सभी रोज में जीरो चाहिए. सभी रोज में जीरो चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. रो ऑपरेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट रो में चेक करेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, उससे सबको माइनस कर देंगे. 1, 2, 3, 4 जो है ये सब असेंबली है, इसको आपको नहीं लेना, आपको सिर्फ जो कॉस्ट दिया आपको उसको लेना है. रो ऑपरेशन करने के बाद धर्मेंद्र, यस सर, रो ऑपरेशन करने के बाद आपको चेक करना है कि आपके सभी कॉलम में जीरो है क्या, यहाँ पे सभी कॉलम में जीरो है क्या? सर नहीं सर. कौन से कॉलम में नहीं है सर? वो लास्ट वाला. वेरी गुड, म्यूट कर लीजिए. रो ऑपरेशन करने के बाद बच्चों आपको चेक करता है कि सभी कॉलम में जीरो है क्या. अगर सभी कॉलम में जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर किसी कॉलम में जीरो नहीं है तो आपको उस कॉलम में जीरो लाना पड़ेगा. तो कैसे लाएंगे? स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू है आपका कॉलम ऑपरेशन. जिस तरीके से हमने रो ऑपरेशन किए थे उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे क्या, कॉलम ऑपरेशन. ठीक है, जिस तरीके से हमने रो ऑपरेशन किए थे सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. अब कॉलम ऑपरेशन देखिए, फर्स्ट कॉलम में तो ऑलरेडी जीरो है, यहाँ पे छोटी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, जीरो रहेगी. तो अगर आप जीरो से माइनस भी करते हो तो आपका सेम वही वैल्यू आएगा. तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका ऑलरेडी जीरो प्रेजेंट है. तो हम क्या करेंगे, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 2, 3, 1, 4, 0, 0. ये तीन कॉलम को हमने एज इट इज लिख दिए. अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों,
जो लास्ट वाला कॉलम था जहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे हमें जीरो लाना है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, यहाँ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है आपकी वन, तो वन से सबको माइनस कर दीजिए, क्या जाएगा आपके 3 1 0 1। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। 20 से 16 हो गए। सबको समझा बच्चों? यस सर। अगर किसी भी कुछ डाउट है पूछ सकते हैं। रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन समझ गए सबको? अगर सर लास्ट कॉलम में जीरो होता फिर उसके बाद ये कॉलम वाले जरूरी ना, तब फिर आपको जरूरत नहीं थी। रो और कॉलम ऑपरेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सभी रो में और सभी कॉलम में जीरो लाना है। क्लियर है? अगर आपको जो क्वेश्चन दिया रहता, जो क्वेश्चन दिया है जो मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स बनाया हुआ, अगर यहाँ पे सपोज सभी रो में सपोज जीरो रहता तो फिर आपको रो ऑपरेशन भी करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ फिर कॉलम ऑपरेशन करना पड़ता। हाँ, अगर सभी कॉलम में भी नहीं, अगर कॉलम में नहीं रहता तो कॉलम करते, अगर सभी रो सभी कॉलम में जीरो आ गया तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट असाइनमेंट करेंगे। यस, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने जो सेकंड वाला लिखा हूँ कॉलम ऑपरेशन, वहां पे एक बार सब लोग नजर मार लो कि सभी रो में सभी कॉलम में जीरो है क्या? फर्स्ट रो में है, सेकंड रो में है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, और सभी कॉलम्स में भी जीरो है। तो जब बच्चों सभी रो में और सभी कॉलम में जीरो आ जाते उसके बाद हम लोग करते असाइनमेंट। क्या करते? असाइनमेंट। और असाइनमेंट कैसे करते? हमेशा स्टार्ट करेंगे पहली रो से। कहां से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, और जहां पे एक जीरो है पहले वहां पे असाइन करेंगे। हमेशा लोग असाइनमेंट कहां से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, और जिस रो में एक जीरो रहेगा पहले वहां असाइन करेंगे, अगर दो जीरो रहेगा तो उसको हमें छोड़ देना है। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे क्या करना है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करें असाइनमेंट। असाइनमेंट हम हमेशा कहां से करेंगे? फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों? फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, और जहां पे एक जीरो रहेगा पहले वहां पे हम असाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में कितने जीरो है? एनीवन? एक है। पीयूष, सॉरी प्रवीण, एक है सर। फर्स्ट रो में कितने जीरो दिख रहे हैं आपको? एक ही जीरो दिख रहा है। मैंने क्या बोला आपको कि हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट रो से, और जहां पे एक जीरो रहेगा पहले वहां असाइन करेंगे। तो प्रवीण ने बोला अगली रो में एक ही जीरो, तो हम क्या करेंगे? इसको असाइन करेंगे। इस तरीके से बॉक्स से हम क्या करेंगे? जीरो को असाइन कर देंगे। क्लियर है? जब हमने इसको असाइन किए तब आपको चेक करना है कि इसके रो में या कॉलम में कहीं जीरो प्रेजेंट है क्या। जब हमने इसको असाइन किए तब आपको चेक करना है इसके रो में या कॉलम में कहीं जीरो प्रेजेंट है क्या। प्रवीण? नहीं सर। नहीं, वेरी गुड। अगर रहेगा तो हम देखेंगे क्या करते हैं। सेकेंड रो पे आ जाओ। सेकेंड रो में देखो कितने जीरो है? एक ही। एक ही जीरो। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? इसको असाइन। जब इसको असाइन करोगे तो आपको चेक करना है इसके रो में या कॉलम में कहीं जीरो प्रेजेंट है क्या। नहीं है, छोड़ दो। विवेक, थर्ड रो में कितने जीरो है? दो जीरो। तो मैंने आपको क्या बोला? असाइनमेंट वहां पे करना जहां पे एक जीरो है, जहां पे दो रहेंगे वहां पे नहीं करना है। तो क्या हम थर्ड रो में असाइनमेंट करेंगे क्या? नहीं। थर्ड रो को छोड़ दो। आ जाओ फोर्थ रो पे। फोर्थ रो में कितने जीरो दिख रहे हैं आपको? एक जीरो। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इसको करेंगे असाइन। लेकिन जब इसको असाइन किए तो चेक करो इसके रो में या कॉलम में कोई जीरो प्रेजेंट है क्या। कॉलम में। तो उसको हम क्या कर देंगे? कैंसल। उस जीरो को हम क्या कर देंगे? कैंसल। जहां पे आपने असाइन किया, यहाँ पे असाइन किया ना, तो चेक करो इसके रो में या कॉलम में कोई जीरो है क्या। अगर रहेगा तो आपको उसको क्या करना है? कैंसल। अब देखो थर्ड रो में कितने जीरो है? एक ही जीरो। अब हम क्या कर देंगे उसको? अब उसको हम क्या कर देंगे बच्चों? असाइन कर देंगे। माइक म्यूट कर लो। समझाए किस तरीके से असाइनमेंट किए? दुर्गेश? यस सर। धर्मेंद्र? यस सर। श्रद्धा?
यस सर। निहाल कचोटिया, निहाल दो दो निहाल कचोटिया छ, निहाल कचोटिया, सानिया लाड़े। यस सर। कोई डाउट है बेटा? नहीं। उसके बाद गौतम दामा है। यस सर। डाउट है बेटा कुछ? नो सर। उसके बाद है प्रवीण कटरे। यस सर। कुछ डाउट है बेटा? नो सर। श्रद्धा हो गया है। शुभम लोनारे। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। सक्सेस? नहीं सर, कोई डाउट। जज? सूर्यदेव, यशवंत, डाउट है बेटा? देखो हमारा पर्पस क्या था, ये हम क्यों सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि हमें क्या करना है, डिफरेंट सब असेंबली जो होती है डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर को असाइन करना था। अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे सब असेंबली वन, यहाँ था टू, यहाँ थी थ्री, यहाँ थी फोर। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्टर थे यहाँ पे वन टू थ्री फोर, तो लास्ट में क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। विजिबल है बोर्ड? यस सर। यहाँ पे लिख दिया मैंने सब असेंबली, यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे लिख दिया उनकी कॉस्ट। मैंने टेबल एक बनाया लास्ट में, जहां पे लिखा है सब असेंबली, पहले कॉलम में लिखा हो सब असेंबली, दूसरे कॉलम में लिखा हो कॉन्ट्रैक्टर, और लास्ट में क्या लिखा हो कॉस्ट। तो देखिए बच्चों सब असेंबली कौन सी थी, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे लिखेंगे वन टू थ्री फोर। तो यहाँ पे सब असेंबली वन के सामने कॉन्ट्रैक्टर क्या लिखेंगे, टू। सिमिलरली सब असेंबली टू जो थी कौन से कॉन्ट्रैक्टर को असाइन किए, वन, तो टू के सामने क्या लिखेंगे, वन। सिमिलरली जो थर्ड वाली सब असेंबली थी वो कौन से कॉन्ट्रैक्टर को दिया, फोर्थ, तो सब असेंबली थ्री के सामने क्या लिखेंगे, फोर। लास्ट सब असेंबली फोर कौन से कॉन्ट्रैक्टर को दिया, थ्री, तो फोर के सामने क्या लिखा, थ्री। अब देखिए अगर आपका सब असेंबली वन ओवर 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 बनाता है तो कॉस्ट कितनी उसकी, थर्टीन, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थर्टीन। सब असेंबली वन कॉन्ट्रैक्टर टू बनाएगा तो कॉस्ट कितनी आएगी, थर्टीन। सिमिलरली सब असेंबली टू कॉन्ट्रैक्टर वन बनाता है तो कॉस्ट कितनी आएगी, इलेवन। सिमिलरली सब असेंबली थ्री कॉन्ट्रैक्टर फोर बनाता है तो कॉस्ट कितनी आएगी, अगेन इलेवन। और लास्ट सब असेंबली फोर कॉन्ट्रैक्टर थ्री अगर बनाता है तो कॉस्ट कितनी आएगी, फोर्टीन। सबको ऐड कर लोगे तो यहाँ से आपको आपकी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, यहाँ लिख देते टोटल कॉस्ट, याद है आपका बच्चों, इसको ऐड कर लीजिए, ये शायद 49 आ रहा है, 49, और मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे, 100 से, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा आपका 4900। तो देखिए आपको टोटल कॉस्ट निकालना था, तो जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 4900। इस तरीके से आपको असाइनमेंट मॉडल की प्रॉब्लम्स सॉल्व करना पड़ता है। बोलिए सर, इसको शायद एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जी सर, इसको एक और तरीके से शायद सॉल्व कर सकते हैं। एक और मतलब? मतलब जैसे कि मैंने दूसरे तरीके से किया तो सेम ही आंसर आया। दूसरे तरीके से मतलब किस तरीके से किया? जैसे सर वो जो पहला रो है ना, सबसे बड़ा कौन सा रो है चारों में से, तो चौथा सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद पहला है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, तो मैंने चौथे में जो सबसे छोटा वाले थे उसको असाइन कर दिया, और पहले में फिर उसके बाद किया, तीसरे में किया, फिर तीसरे में किया। फर्स्ट रो में क्या किया आपने? मतलब सर चारों रो को मैंने कंप्यूटर किया उनकी वैल्यूज को ऐड करके कि सबसे बड़ा कौन सा है। किस तरीके से ऐड किया? ऐसी 15, 17, 14, 16 उसको कंपेयर किया उस बाकी चीजों से। अच्छा अच्छा सर, आगे वाले इस प्रॉब्लम को समझ में आ जाए।
नहीं नहीं इसमें बताइए ना, इसमें आपने जैसे फर्स्ट रो था तो फर्स्ट रो में आपने कौन सी वैल्यू लिए? मैंने सारी वैल्यू को लिया सर, क्योंकि ये चौथे वाले रो में ना जितनी वैल्यू है सबको ऐड करने पे एक वैल्यू आएगा ना। मतलब फोर्थ रो की बोल रहे क्या? 15 हाँ, 17 14 16 हाँ, ये सबसे बड़ा है हाँ। फिर उसके बाद पहला वाला रो का फर्स्ट रो को ऐड किया पूरा हाँ, तो फिर उसके बाद वाला नंबर हुआ 10 10 10 10 13 14 17 हाँ। फिर क्या किया? सेकंड रो को ऐड किए हाँ, तो सेकंड रो उसके बाद आया, फिर आखिरी में थर्ड रो आया। मतलब क्या किया आपने? इन सबको ऐड किया ना हाँ, 20 20 40 8 12 12 7 19 मतलब 40 19 59 तो मैंने ऐसे ही देख के किया, पूरा ऐड नहीं किया। ऐसे बोल रहा तूने? हाँ हाँ ऐसे ही ऐसे सिमिलरली सबको ऐड किया हाँ। अब जो सबसे बड़ा है ना उसका वैल्यू उसको साइन कर दिया डायरेक्ट। और क्या किया आपने? जो सबसे बड़ा है उसको क्या असाइन? हाँ, 51 को असाइन किया। ऐसा भी कर सकते हैं, बट बेसिक जो स्टेप्स है आपकी, बेसिक आपकी जो स्टेप्स है एग्जाम में आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, अगर गेट के एग्जाम में आता है और आपको जल्दी से ऐसे करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके एग्जाम है तो उसमें आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? ये समझ में आया कि आप लोगों को हमने क्या किए कि नहीं आया? ठीक, तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Yes, sir. Next question is, बच्चे काम करते, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेकेंड वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। उसमें जैसे आप हमने जो किए, ये जो हमने सेकेंड वाला कॉलम ऑपरेशन किए ना, उसके बाद देखो आपके कितने असाइनमेंट हुए। सेकेंड वाला जो हमने कॉलम ऑपरेशन किए उसके बाद हमने असाइनमेंट किए, वहां पे कितने असाइनमेंट हुए थे? नहीं बोलती है कोई भी? अरे समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो, आवाज आ रही है? यस, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है क्या सर? रिपीट करिए क्वेश्चन। एक सेकंड, ये व्हाट्सएप बंद हो गया मेरा, इसको चालू करने दो पहले। हमने क्या किए, जो हमने सेकंड कॉलम ऑपरेशन किए थे, कॉलम ऑपरेशन करने के बाद हमने क्या किया? असाइनमेंट किए। अब जो हमने असाइनमेंट किए थे, कितने असाइनमेंट हुए आपके? चार। लेकिन अगर चार की जगह अगर आपके तीन असाइनमेंट या दो असाइनमेंट आते थे, तब वहां पे आपको कुछ अलग करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जितने आपके पास रोज है, जितने आपके पास रोज और जितने कॉलम्स है, उतने आपके असाइनमेंट होना चाहिए। अगर उतने आपके असाइनमेंट नहीं होते, इसका मतलब आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आए, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है वो हम सेकेंड प्रॉब्लम में देखेंगे। तो सेकेंड प्रॉब्लम अभी 10 मिनट में नहीं होगा, उसको कम से कम आधी घंटा लगेगा सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए आज हम यहीं पे रुक जाते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
नहीं बोलते कोई कुछ? अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 ही है, इसका आंसर देखो आता है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 चेक कीजिए। 4 डिफरेंट जॉब्स कैन बी डन ऑन 4 डिफरेंट मशीन्स। हटा दूं क्वेश्चन में? प्रवीण सर आया आंसर? सर थोड़ा क्वेश्चन, जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया वैसे नहीं करना है आपको, जिस तरीके से विवेक ठाकुर ने बताया था वैसे करना है। हाँ सर हाँ वैसे, क्योंकि मेरे तरीके से तो सॉल्व नहीं होगा वो। आया किसी का आंसर? विवेक सिर्फ आईडी तो करना था यार। सर 5543 आता। 5543 नहीं ना, 5543 नहीं आ सकता। इंडिविजुअल कॉस्ट जैसे टोटल कॉस्ट कितना आएगा? टोटल उसका एडिशन आएगा 17। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, 5543 बोल रहे हैं आप। यस, ये 5555 है। m1 लिखा है, m3 वही आ रहा है ना। j1 m1 और j3 m1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो एक ही जॉब, सॉरी दो जॉब एक ही मशीन को असाइन हो जा रहे हैं। नहीं सर, J1 को J1 M1 5 आएगा। J1 M1 हाँ सर, बराबर समझे विवेक क्या बोला मैंने? सर टोटल कॉस्ट 25 आता है क्या? 25 नहीं आता है। मतलब वही 25 इंटू 100 क्यों करेंगे यहाँ पे? नहीं है इसमें, नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि टेबल शोन इन 100 ऑफ रुपीस, इसलिए किए थे 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ तो नहीं बोला ना ऐसा। हाँ वो बोला, मेंशन किया तब हमें करना है, नहीं बोला तो नहीं करना है। इसका 23 आता है, ये मैं करूंगा कल आपको सॉल्व। बाकी बच्चों ने शायद ट्राई भी नहीं किए। यशवंत? यस सर कर रहा हूं। हाँ सर किया सर, पर वो 20 29 25 28। सुनिए मैंने जो मेथड से करा है ना,
वो मेथड से तो अभी ये सॉल्व होगा नहीं, वो मेरे को ही आपको सॉल्व कराना पड़ेगा, जो मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। सिर्फ मैं ये चेक कर रहा था कि विवेक ठाकुर का जो मेथड था उससे सही आता है या नहीं आता है। विवेक आया क्या बेटा? नहीं आया, नहीं आया सर, नहीं आया। एक्चुअली यही प्रॉब्लम है, इसलिए हम उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। कल मैं आपको सिखाऊं सर। हेलो सर। हाँ धर्मेंद्र सर, वो एक बार क्वेश्चन दिखाइए। एक सेकेंड, दो दो सेम आ जाता, 28 28 आ जाता। हाँ बोलिए धर्मेंद्र सर। जैसे वहाँ पे रो जो आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है सर। हेलो सर, आ रही है सर। अभी जैसे पहले रो में छोटी 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 जी वाली वैल्यू, दूसरे रो में भी सर 5 है सर, बिल्कुल। तीसरे रो में सर 4 है सर, बिल्कुल। लेकिन लेकिन सर वो जो अपने सबसे छोटी वाली संख्या सर 4 लिया सर, तो वो पहले रो में भी उसी रो में आती थी सर, तो उसको उसको छोड़ के जो ऐसी वैल्यू लेंगे सर जो दूसरे रो में नहीं आती होगी, उस छोटी और ऐसे जो दूसरे रो में नहीं आती होगी, तो जैसे 7 लेंगे सर तो वो भी नहीं जमेगा सर, क्योंकि दूसरे रो में सर है सर वो 5 करके, और जैसे 4th रो वाली जैसे 7 लेंगे सर तो उसके जो नीचे वाला है सर रो 4 वाला, तो उसमें से भी 3rd है सर, 3 आती है ना सर जी, तो वो नहीं जमेगी सर, वो अभी बची वहाँ पे 10, तो सर वो 5 5 10 और 3 23 जी, ऐसे ही करना पड़ेगा सर। तब जाके आपका मिनिमम जो आंसर आएगा उसका क्या आएगा, वो 23 आएगा। लेकिन ये तो क्या है कि आपको ऐसा देख के करना पड़ रहा है ना, कैलकुलेट करना पड़ रहा है आएगा कि नहीं आएगा, उसी के लिए मैंने आपको जो कराया ना, ये जो कराया ये वो मेथड है, इससे आप करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है सर, बट इसकी डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, नहीं ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, ठीक है। नहीं छोटा सा मेथड एकदम, आपको क्या फर्स्ट प्रॉब्लम किया ना इसलिए आपको ये लग रहा है, अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो कल जो मैं कराऊंगा वो तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन क्या है कि अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि लेंदी है, लेकिन जब आप इसको 2-4 बार करोगे तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको बिना देखे सॉल्व कर लोगे इजीली, एकदम इजी मेथड है, ठीक है। लेकिन इसके लिए ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप शॉर्टकट निकाल सॉल्व कर सकते डायरेक्टली इसका आंसर निकल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स दिए जाते हैं, तो 30 मिनट्स में आपको इसको सॉल्व करना है। किसी को कुछ बोलना है और आपको कुछ ही पूछना है तो पूछिए सर। इसके और 2-3 सर, अगर गेट में आ गया तो गेट में आ सकता है क्वेश्चन, ये असाइनमेंट मॉडल आता है, लेकिन फिर बताया ना मैंने आपको, फिर आपको सिंपल सा जैसे यार ने जो क्वेश्चन किए थे, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया ना, हार्डली इसको 5 मिनट लगता है सॉल्व करने के। सर और 2-3 क्वेश्चन दिखाइए ना सर। नहीं ना, नहीं है, मैंने जो फोटो लिया ना उसके हिसाब से आपको 2 ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, थर्ड जो क्वेश्चन मैंने फोटो जो लिया प्रॉपरली नहीं लिया हूँ, फर्स्ट 2 क्वेश्चन ही दिख रहे हैं। मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो क्वेश्चन सेट है मैं उसके अच्छे से उसको स्कैन कर लूंगा और आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। यस सर। यहाँ देख रहे हो आप, एक ही फोटो मैंने लिया था अभी आपको पढ़ाने के लिए, सिर्फ आज ही शेयर करेंगे। हाँ अभी कर दूंगा मैं, ठीक है। कॉलेज में हूँ, आपको ऐसे समझ में ज्यादा आता है कि वो जो मैं घर पे पढ़ाता था उससे समझ में आता ज्यादा? Which one? दोनों सही है। ठीक, दोनों में ही सर। ठीक, धर्मेंद्र रोल नंबर सर 95। 95। नेक्स्ट वन इज दुर्गेश मिश्रा 85। नेक्स्ट इज गौतम दमाए सर 74। नेक्स्ट इज निहाल काचोटिया, निहाल तो मेरे को लगता सोया था बंद करके। प्रवीण बोरकर 84 सर। 84 यस सर। निहाल काचोटिया सोया था क्या बाबा? माइक जल्दी ऑन नहीं होता। क्या रोल नंबर है आपका? 23। कल मेरा पूरा लेक्चर खत्म हो गया, सबसे लास्ट में आप ही बचे थे, तो मुझे लीव करना पड़ा, आप बचे हुए थे। आप प्रवीण कटरे
प्रवीण कटरे 76 ओके नेक्स्ट वन इज प्रयाग जाधव जिनका 58 वेरी गुड प्रयाग नेक्स्ट वन इज सानिया लाड़े सर 89 नेक्स्ट इज श्रद्धा वासनिक सर रोल नंबर 10 नेक्स्ट इज शुभम लोनारे 96 फर्स्ट लेक्चर का शुभम आज नो सर ठीक है शुभम बाबारे 57 57 नेक्स्ट इज सूरज मिश्राम सूरज मिश्राम नहीं बोलता सूर्यदेव यादव 46 नेक्स्ट वन इज विवेक ठाकुर 86 एंड लास्ट इज यशवंत 93 यस सर लीव हो जाइए आप लोग किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं सर वो व्हाट्सएप की जगह अगर आप क्लासरूम बना के क्लासरूम में अपलोड कर देंगे तो अच्छा रहेगा अच्छा गूगल क्लासरूम बना के हाँ सर क्योंकि वहाँ से कहीं जाता नहीं है वो व्हाट्सएप का क्या चला जाता है कुछ दिनों बाद फिर ठीक है ना सक्सेस तो मैं वैसा कर दूँ ठीक है हाँ एक क्लासरूम क्रिएट कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा ओके मैं कर लूँगा क्रिएट थैंक यू सर जैसे आपकी तरफ से भी अगर कुछ सजेशन मिलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है सर थैंक यू सर ओके बेटा कुछ कुछ पूछना है प्रवीण कटे निहाल का छोटिया नहीं पूछना है।